हेलो गाइस, अनुभा गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो गाइस, आज मैं बताऊंगी आप लोगों को ये एलोवेरा के पत्ते से या जल से आप किस तरह से कीटनाशक या पेस्टिसाइड या किस तरह से बना सकते हो। ये आपका ये जो एलोवेरा है आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है और आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा आपका ये जो है कीटनाशक भी बन सकता है। इससे आपके इस तरह से आपके घर में जो एलोवेरा है उससे आप कीटनाशक बना सकते हो या पेस्टिसाइड बना सकते हो या फंगीसाइड बना सकते हो। किसी भी रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप छिलका समेत कर सकते हो, चाहे आप इसका जो गूदा है ये जो जल है ये निकाल के भी आप बना सकते हो। तो गाइस, ये जो आपके एलोवेरा जो काटते हैं इसके नीचे से येलो येलो सा जो लिक्विड निकलता है ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, इसलिए इसे कोई पशु भी नहीं खाता। आप कहीं भी लगा के रख दो इसको तो देखना पशु जो इसको मुंह भी नहीं लगाता, क्योंकि ये जल है ये पीला पीला सा ये आपके पत्तों के नीचे होता है। जब भी आप काटोगे तो देखना ये येलो सा जो आपका ये जो लिक्विड है ये निकलता है, जो ये कड़वा होता है और जो है ये आपके जो कीड़ों के लिए बहुत ही अच्छा कीटनाशक है ये, क्योंकि ये कड़वा होता है। और इसके साथ साथ मैं दो चीज़ और मिलाऊँगी जिससे कि आपका एक शक्तिशाली पेस्टिसाइड बनेगा। तो गाइस, ये देखिए मैंने ये एलोवेरा जो है काट कर भिगो रखा है, ये दो तीन दिन हो गए हैं इस तरह से। ये देखिए तो ये जो आपका ये जल है पानी में मिक्स हो गया अच्छी तरह से, अगर आप तीन चार दिन तक इसको भिगो के रखते हो तो गाइस ये देखिए इस तरह से इसका जो पानी का रंग है ये भी आपका ये चेंज हो गया है। और दूसरा जो शक्तिशाली चीज़ मैं आपको बता रही थी, ये देखिए ये है आपके प्याज और लहसुन के छिलके। प्याज और लहसुन के छिलके जो होते हैं ये भी आपका एंटी बैक्टीरियल होता है और इसमें जो फंगस को मारने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा आपका ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके जो गंध होते हैं गंध से आपके जो कीड़े होते हैं ये कीड़े वगैरह जो है ये भी पास नहीं आते हैं और दूर भागते हैं इसके स्मेल से भी। और इसमें भी बहुत अच्छा आपके फर्टिलाइज़र के गुण है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज और आपके पोटाश काफ़ी कुछ मात्रा पाया जाता है। और जो एलोवेरा है एलोवेरा भी आपके बहुत अच्छे इसमें भी गुण पाए जाते हैं, कैल्शियम है और इसमें भी पोटेशियम पाया जाता है, इसमें भी कॉपर जिंक और सेलेनियम जो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है आपके ये एलोवेरा में। इसके अलावा भी विटामिन ए बी विटामिन सी 12 विटामिन B2 B6 वगैरह भी पाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ साथ जो है आपके कीटाणुओं को मारने के भी बहुत अच्छे इसमें बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जिससे कि बैक्टीरिया इसके पास नहीं आते हैं। तो गाइस, किस तरह से आप इसको बना सकते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। एक या दो तीन पत्ते ले लीजिए इस तरह से और ये जो छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लीजिए इस तरह से, छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लीजिए। काट के आप चाहे तो 24 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं या फिर आपके पास टाइम है तो दो तीन दिन भिगो के भी रख सकते हैं। अगर दो तीन दिन आप भिगो के रखते हो तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसके जो जल के जितने भी गुण है अच्छी तरह से पानी में घुल जाता है। उसके बाद आपके जो प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके हैं इसे भी आप दो तीन दिन के लिए भिगो सकते हो। और आपके पास अगर लहसुन है तो उसके कलियाँ भी आप एक दो कलियाँ जो है आपकी अच्छी तरह से उसको जो सिलबट्टा है तो उसमें पीस के उसका रस निकाल के भी मिक्स करके आप इसको बना सकते हो। तो गैस इस तरह से ये जो आपका प्याज के छिलके लहसुन के छिलके हैं इसका देखिए दो दिन बाद इस तरह के लाल रंग का ये कलर बन जाता है इसका। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं दिखाती हूँ किस तरह से मिक्स करके आप अपने जो प्लांट है इसमें स्प्रे कर सकते हो। आप किसी भी प्लांट में इसको स्प्रे कर सकते हो।
चाहे फूल वाले हो, चाहे फल वाले हो, चाहे आपके कोई भी शो वाले पीस हो, उसमें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा में बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस बहुत अच्छे मतलब आपके तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि आपके प्लांट में से ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको पास नहीं आने देते हैं और इसको मतलब दूर भगाते हैं और मारते भी हैं इसको। तो बहुत अच्छा आपका ये स्प्रे बन गया है, ये देखिए कीटनाशक स्प्रे बन गया। अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लिया मैंने बराबर मात्रा में। अब देखिए ये जो है आपका इस तरह से बन गया। आप किसी भी स्प्रे बोतल में भर लीजिए और इसको हफ्ते में एक बार आप किसी भी प्लांट में स्प्रे कर सकते हो, चाहे आपके वो फल वाले हो या फूल वाले हो। तो गाइस देखिए इस तरह से मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से स्प्रे करना है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए इस तरह से इसका कलर हो गया रेडिश सा हो गया है हल्का, और थोड़ा येलो येलो सा हो गया ये एलोवेरा और आपके प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके इस तरह से, ये देखिए। तो गैस देख लीजिए ये मेरे आपके घीये का प्लांट है, ये देखिए मैं इसकी जो पत्तियां है उसमें स्प्रे करूँगी, अगर इसमें भी कोई कीड़े मकोड़े होंगे तो ये मर जाएगा शुरू से ही इस तरह से। और आपको और दिखाती हूँ, तो देखिए ये मेरे मिर्च का प्लांट है, इसमें देखिए इसमें मैंने स्प्रे कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से स्प्रे कर रही हूँ। मैं प्याज लहसुन जो है अपने फूलों वाले प्लांट में यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये जो फूल वाले प्लांट है मैं ये पूजा के लिए रखती हूँ, इसलिए मैं अपने जो भी फल वाले होते हैं जैसे टमाटर है, आपके मिर्च हरी मिर्च हो गई है, और जो साग सब्जी के होते हैं उसमें ही मैं स्प्रे करती हूँ लहसुन और प्याज के, अंडे के छिलके वगैरह भी। तो देखिए इस तरह से आप भी अपने प्लांट में, किसी भी प्लांट में अगर आपके कोई फंगस या कीड़े मकोड़ों का आक्रमण हो तो आप भी इस तरह से स्प्रे कर सकते हो। ये देखिए गाइस मेरे ये मिर्च के पौधे में देखिए, ये देखिए मिर्च, और इसमें भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो गैस इस तरह से आप भी अपने किसी भी प्लांट के लिए ऐसे कीटनाशक बना सकते हैं एलोवेरा और प्याज के लहसुन के छिलके से। तो गैस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और बेचारा अनुभा गार्डनिंग को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।